क्या आप नॉन वेजिटेरियन हैं? क्या आपको भी चिकन, कबाब और मछली खाने का शौक है? अगर हाँ तो ये रिपोर्ट आपको चौंका देगी। असल में इन नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में कुछ ऐसा मिक्स किया जा रहा है जो आपको बीमार कर देगा, आपको अस्पताल पहुंचा देगा, आपको जानलेवा बीमारियों में समेट के रख देगा। आखिर चिकन, कबाब और मछली में ऐसा क्या मिक्स किया जा रहा है, ये आपको हम इस रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, आपने नॉनवेज सर्व करने वाली शॉप्स, रेस्तरां, होटल्स पर अक्सर ये देखा होगा कि ये जो चिकन, मछली और कबाब हैं, इनको रंगों में रंग कर रखा जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि ये थोड़ा चमकदार दिखे, थोड़ा बेहतर दिखे। इनमें मसाला भी लपेटा जाता है, लेकिन साथियों कई लोग इन्हें खतरनाक रंगों से रंग कर रखते हैं। ये कलर जानलेवा हैं। इससे पहले कि इन जानलेवा रंगों के बारे में मैं आपको बताऊं, एक खबर जानिए। असल में कर्नाटक सरकार ने चिकन, कबाब और मछली से बनी डिशेज में आर्टिफिशियल रंगों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से राज्य में बेचे जाने वाले 39 तरह के कबाबों के सैंपल इकट्ठे किए थे, जिनकी जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसमें पता चला कि इनमें आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है और धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये आर्टिफिशियल कलर ऐसे हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं। अब सवाल तो उठता है कि आखिर इन रंगों के इस्तेमाल पर रोक क्यों लगाई जा रही है। जाहिर सी बात है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनता की ओर से इस मामले में दाखिल की गई शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में बेचे जाने वाले 39 तरह के कबाबों के सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। और इस जांच में खुलासा हुआ कि इन खाद्य उत्पादों में सनसेट येलो और कार्मोसिन आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सेहत के लिए एकदम ठीक नहीं है। ये रंग आपके लिए कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि रंगों पर, ये जो खाने वाले जो कलर हैं, इन पर बैन लगाया गया। इससे पहले भी कई बार इन एडिटेबल्स कलर पर बैन लग चुका है। गोवा में भी गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी के आर्टिफिशियल रंगों के इस्तेमाल पर बैन लगाया जा चुका है। ऐसे में अब कर्नाटक सरकार की ओर से अलग अलग तरीके के कबाबों में इस्तेमाल किए जा रहे केमिकल्स पर भी रेस्तरां के खिलाफ, होटल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। साथियों, पैकेज्ड फूड आइटम्स में कम मात्रा में टेट्राजीन का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन रेस्तरां या किसी होटल या ढाबे में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ये हानिकारक साबित होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आप जब कभी किसी होटल, ढाबे या रेस्तरां पर जाएं, आप नॉनवेज खाना चाहते हैं वहाँ, आप मछली खाना चाहते हैं, आप कबाब खाना चाहते हैं, आप चिकन खाना चाहते हैं, खूब खाइए, लेकिन एक बार ये सुनिश्चित ज़रूर कर लीजिए कि कहीं उनको चमकदार दिखाने के लिए, उनको अच्छा बेहतर दिखाने के लिए उन पर आर्टिफिशियल कलर तो नहीं लगाए गए हैं। अगर ऐसा है तो आप ज़रा उनसे परहेज़ करें, क्योंकि उन पर जो कलर लगाए गए हैं वो आपको बीमार कर देंगे, आपको कैंसर जैसी बीमारियां तक दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है वो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए कायदे और फायदे की होगी। आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर के अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ अपने मन की बात लिख दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पहले पाने के लिए आप फौरन हमारे इस चैनल को, मेडिकली स्पीकिंग को, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।